इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र की मस्जिद के बाहर पर्चा बांटने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। मामले की जानकारी सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। इंदौर के अंदर जो विवादित पर्चा बांटा गया था संघ बजरंग दल का, जिसमें उल्लेख किया गया था ऐसे 5 लोगों को धारा 153A के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये 2 दिन पूर्व पर्चे बांटे गए थे जिसमें विकृति भ्रांति ये फैलाने का प्रयास किया गया था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन 5 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने पुलिस को बताया कि वो मस्जिद के बाहर कुछ काम से खड़े थे। इसी दौरान कुछ लोग आए और अपने घर की महिला और युवतियों को जागरूक करने के लिए इन पर्चों को बांटने के लिए देकर चले गए। वे कौन लोग थे इस बारे में युवक कोई जानकारी नहीं दे रहे। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार हुए युवकों ने पुलिस को बताया कि जो पर्चे क्षेत्र में देने के लिए आए थे वो 3 से 4 लोग थे। पुलिस निशानदेही पर आरोपियों को तलाशने में जुटी है। अभी 23 मई 2023 को एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने संबंधी एक अपराध पंजीबद्ध किया था। उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो कि थाना रावजी बाजार क्षेत्र के ही रहने वाले। पूछताछ में उनके अपने समाज के लोगों को वितरित कर रहे थे और जिसने वो उपलब्ध कराए हैं उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसको जिस व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसकी तलाश जारी है। हाँ, अपने अपने संप्रदाय के लोगों को वितरित कर रहे थे। सभी कोई ट्रांसपोर्ट पे काम करता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई कांच की दुकान पे काम करता है, किसी बेल्डिंग की दुकान। 2 लोगों के 2-2 अपराध हैं मारपीट के साधारण। 153 का के तहत IPC के तहत पंजीबद्ध किया गया। आपको बता दें इंदौर के रावजी बाजार क्षेत्र की एक मस्जिद के बाहर एक विवादित पर्चा बांटा गया था जिसमें RSS और बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए गए थे जिसको लेकर काफी विवाद भी खड़ा हो गया था। इसको लेकर MP सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने भी बयान दिया था और साजिश रचने का आरोप लगाया था। गृह मंत्री के निर्देश के बाद पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर 8 से 10 युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया और CCTV के आधार पर लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। पुलिस गिरफ्तार हुए आरोपियों की प्रोफाइल को भी खंगाल रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वो क्या करते हैं और किस संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआती पूछताछ में किसी भी तरह की कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है।